भाई लोग अभी हो रहा सुबह सुबह का टाइम, सुबह के बज रहे कुछ कितने बज रहे भाई, सात बजने में कुछ टाइम हो रहा है और हम दोनों निकल चुके हैं कहाँ, मांडव के लिए। मांडव जा रहे हैं हम भाई की नई गाड़ी से, भाई ने लिया अभी अभी दिवाली पे नई गाड़ी, जो व्लॉग वीडियो बनाया ना भाई की गाड़ी से जा रहे हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी में क्या है आगे वाले टायर में स्क्रू घुस गया और भाई की गाड़ी की सर्विस करवाना है 1000 किलोमीटर पूरे करने, तो 200 तो 250 तो 225-200 तो आज हो जाएंगे और बाकी का देखते हैं फिर 1000 किलोमीटर क्या है। अभी कुछ भाई की गाड़ी कितनी चली हुई नहीं दिख नहीं रहा भाई, कितनी चली हुई डेढ़ सौ किलोमीटर चली है अभी, बस 225-200 तो आज हो जाएंगे, फिर उसके बाद समझते बाकी का जो है। चलो चलते अभी हम लोग कहाँ से जाएंगे, यहाँ से गंगवाल सिरपुर धार रोड होते हुए पीतमपुर होते हुए, हाँ पीतमपुर से जाएंगे हम, पीतमपुर मानपुर होते हुए। चलो चलते हैं रास्ते में, अगर कुछ कहीं रुकते हैं तो बताते हैं आप लोग। अभी भाई हम लोग खड़े हैं, ये धार रोड, धार बैठने वाला रोड है, इंदौर बैठने वाला साथ से। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, मंदिर नहीं है वो झंडा है भाई। तो हम लोग यहाँ धार बैठने वाले इंदौर बैठने वाली रोड पे खड़े हुए थे और ये ब्रिज पे ओवर ब्रिज पे खड़े, मतलब फ्लाईओवर पे खड़े हम लोग। यहाँ से जो कतई चहर सनसेट हो रहा है, कौन सा कॉलेज है, सेंट मैरी, पढ़ भाई पढ़ ढंग से पढ़, सेंट मेरी है कुछ ऐसे ही लिखा हुआ, बाकी दिख नहीं रहा है, वो देख सकते हो भाई क्या खतरनाक की सनराइज हो रहा है। तो भाई ये है क्या है, आगरा बॉम्बे हाईवे है, हम लोग यहाँ पर रुके हुए। अभी हम लोग पीतमपुर में अंदर घुस गए थे, हम लोगों ने बायपास छोड़ दिया था, अंशु भाई को मैप देखना नहीं आ रहा था तो हम लोग थोड़ा भटक भी गए थे। तो अब सीधा सीधा रोड है यहाँ से मऊ मानपुर, हाँ मऊ तो निकल गया, मानपुर होते हुए सीधा अपन मांडा भी मिलेंगे हम, उसके बाद नहीं, अब इसके पहले नहीं मिलूंगा। अभी मैं जो लोकेशन पे खड़ा हुआ हूँ ये मानपुर के घाट पड़ते हुए, मैंने मतलब यहाँ इस रूट से पहली बार जा रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं था इतनी सीनिक व्यूज आएगी, व्यूज दिखाओ ये देखो, अंशु भाई चहर मजा आ रहा है, बस ऐसे ही मजे लेते हो मांडा वो चेंगे भाई। मैं रुक नहीं पा रहा हूँ सीनिक व्यू दिखाने के चक्कर में, और ये बस वाले बहुत भयंकर हॉर्न बजा के चल रहे हैं, एक और व्यू दिखाने का, ये देखो मस्त सनराइज हो रहा है और ये हाईवे जा रहा है। अभी भाई हम लोग खड़े हैं वैसे बीच के रास्ते में, मानपुर से आगे आ चुके हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हम कि एक ट्रक पलट गया भाई, एक्सीडेंट ये देखो इसके पीछे, अब भी पलटा जस्ट, हमारे आने से 5-10 मिनट पहले की बात होगी ज्यादा ज्यादा, अभी पुलिस वाले अंकल ने हमको बताया 5-10 मिनट पहले ये ट्रक पलटा, फ्रेश फल भर के लेके जा रहा था भाई। देखो भाई अभी जो सीन है वो ये है कि हम लोग जिस रास्ते से आए हैं आज तक उस रास्ते से मेरे को लग रहा है कोई टूरिस्ट आया नहीं होगा, मैं बता सकता हूँ, ये देखो ये कच्चा रास्ता और ये वाला गेट तो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। अभी ये जो ये सीन है ये देखो, ये पहाड़ लिटरली मैं गाड़ी से चढ़ के आया हूँ, ये वाला पहाड़ सुनसान रास्ता बिल्कुल कुछ भी नहीं है। गूगल मैप ने हमको एक जगह दिखाई, हम लोगों ने वो रास्ता ले लिया, अंशु ने बोला भाई टाइम कम है यहाँ से, और मैंने ले लिया भाई, वो ऐसी मतलब इतनी खड़ी खड़ी चढ़ाई और कच्चा रोड बिल्कुल कोई मतलब का काम नहीं यहाँ पे, मतलब यहाँ से आना तो बेवकूफ़ी होगी अगर तुम यहाँ पे आ रहे हो बाइक का मैप डाल के आ रहे हो, बिल्कुल मत डालना भाई, बिल्कुल गलत डिसीजन होगा तुम्हारा ये। और बस क्या है अब यहाँ से अंदर घुसते हैं, चलते हैं, जो भी होता है बताते हैं। तो भाई मेहनत मशक्कत के बाद पहुंच चुके हैं मांडव के गेट पे, ये देखो आई लव मांडव, आई लव तो नहीं लिखा सिर्फ मांडव लिखा और मेरे जूते के लिए स्कूल का। भाई कैसा लग रहा है, कभी आएगा मेरे साथ? अरे भाई तुम्हारे साथ ही आ सकता है व्यक्ति, और किसी के साथ तो भाई ने क्या है गाली बक दी, मेरे को बीप तो मारना पड़ेगी यहाँ पे। अब वैसे क्या है, वैसे रास्ते पे रियलिटी में बोल रहा हूँ, अगर कोई अकेला आया फिर दूसरा व्यक्ति आया है तो डर जाए वो, मतलब हम लोग डरने वाले थे लेकिन बस थोड़ा देर होती है, अगर 1-2 किलोमीटर और चलता है ऐसा रास्ता ना तो मैं मोड़ लेता वापस जाता मैं फिर इस वाले ये जो रास्ता है इसी मेन रोड से वापस आता उधर से घूम के। तो भाई अभी क्या सीन है कि हम लोग रानी रूपमती महल तो पहुंच गए थे, यहाँ से यही रोड जाती है, मगर वहाँ जाके पता चला कि कैश लगेगा वहाँ टिकट के लिए, और एज यूजुअल हम लोग कैश कैरी करने की आदत ही नहीं है, तो यहाँ आए थे इधर बीच रास्ते में से गए तो बोला था वापस आते टाइम रुकेंगे, तो ये तालाब सा है कुछ बड़ा तालाब है और
तो बस अब देखते हैं सिटी में जाते किसी से या तो QR करके केस मारेंगे या तो ATM ढूंढेंगे। ATM डाला तो है इनने, बाकी इनको गूगल मैप चलाता आता तो है नहीं, इनकी वजह से अभी फोकट रास्ते पर चले गए थे। तो अब मेरे को देखना पड़ेगा, मेरा मोबाइल में नेटवर्क आ नहीं रहे हैं। चलो सिटी साइड चलते फिर बताते आपको क्या सीन है। तो भाई अभी मैंने गूगल मैप से डाला ATM, तो सबसे पास का ATM बता रहा है यहाँ से 12 किलोमीटर। अब मैं 12 किलोमीटर कैश लेने जाऊँगा, ज़्यादा निकालना भी नहीं है, केस रखते भी नहीं, हमको ज़्यादा आदत भी नहीं केस रखने की। और ये केस ले रखने की आदत ना मेरे को पता था एक ना एक दिन 12 बजवाएगी, और आज ही वो दिन है शायद से। चलो अब देखते हैं कोई साइबर कैफे पे जाएंगे या किसी को पेमेंट करके, ऑनलाइन पेमेंट करके उससे कैश ले लेंगे। अब ज़्यादा पैसे तो लेगा वो, फिर भी देखते हैं, घूमना तो है ही सही, क्या कर सकते। ये है पोहे यहाँ पे ले लिए हैं। अभी भैया ने तो बोल दिया क्या कहते हैं, हाँ इनके पास है कैश, है कैश क्या QR है, तो यहाँ तो काम चल गया। अब ये जो ये जगह सामने दिख रही है ये फ्री फंड की जगह है, यहाँ घूम के आते हैं हम लोग, फिर इसके बाद आपको भी दिखाएंगे, मिलेंगे वहाँ पे भी। कुछ भी बोलो भाई, इंदौर के पोहे में अलग टेस्ट आता है और दूसरी जगह के यूपी में कहीं भी खा लो टेस्ट नहीं आता है। रतलाम के पोहे में बोल सकता हूँ कि हो सकता है उनमें ऐसा टेस्ट, मगर रतलाम में अभी तक गया नहीं, वहाँ के पोहे टेस्ट नहीं कर रहा था, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता वहाँ के। इंदौर के पोहे तो एवर बेस्ट, मतलब पूरे इंडिया में बेस्ट मैं बोल सकता हूँ। तो भाई अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हुए कहाँ, जामी मस्जिद शायद, ये हाँ जामी मस्जिद ही है, इसके सामने खड़े हुए हैं, और इसके सामने ही असरफी महल और विजय स्तंभ, ये फ्री फंड की जगह है, यहाँ घूमने चलते आ जाओ। सीढ़िया है ना ये इंक्लाइन पे है, मतलब सीढ़िया स्ट्रेट नहीं बनी हुई है, इंक्लाइन पे बनी हुई है। भाई जब मैं यहाँ पे स्कूल ट्रिप से आया था तो हमारे साथ जो गाइड थे, गाइड सर जो थे, उन्होंने बताया था कि ये जो है, ये जो टूटा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये 5 मंजिल ऊंचा था, मतलब इसकी मैसिवनेस बहुत ज़्यादा थी, इसको तोड़ा गया है। तो भाई ये जो फ्रीफंड का श्रीखंड था, ये किसका 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 मकबरा था रहा, ये मोहम्मद खिलजी अहमद। अभी अभी रुक जाओ आपको बताता हूँ किसका, महमूद खिलजी, मोहम्मद खिलजी नहीं रहे ढोर भाई, महमूद मोहम्मद में बहुत कन्फ्यूजन होती है इन चीजों में, क्या है नाम अलग अलग हो जाते हैं। और ये महमूद खिलजी का मकबरा था, फ्रीखंड का श्रीखंड, ज्यादा मजे नहीं आए यहाँ पे। चलो अब देखते हैं, अब पैसे का जुगाड़ करते कहीं से, कैश का पैसे तो है, कैश का जुगाड़ करते कहीं से और जाते फिर। तो भाई अभी हम यहाँ है जामी मस्जिद में, यहाँ तो क्या है कार्ड चल गया हमारा, तो कैश तो है नहीं, कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, हो जाएगा यहाँ पे। अब अंदर चलते बताते हैं आपको यहाँ की भी सीन्स। तो भाई यहाँ जो टिकट है वो हमको 20 रुपये की एक टिकट पड़ी है, कार्ड से पेमेंट हो गया है, 40 रुपये का पेमेंट पहली बार कार्ड से करा, ये देख सकते हो आप। अब ये टिकट को यहाँ ऊपर दिखाना है और अंदर चलेंगे हम। तो देखो भाई ये जो है ना ये एको रूम है, मतलब यहाँ पे ये टोम की वजह से ना आवाज़ टकरा के इधर उधर गूंजती है। जब हम लोग ट्रिप पे आए थे ना स्कूल की तरफ से, तो सारे बच्चे यहाँ पे आके चिल्ला रहे, तो जो आवाज़ें गूंज रही थी ना, मतलब अच्छे काम थे यहाँ पे। तो भैया अगर आप जामी मस्जिद आ रहे हो और आप हमारे जैसे आउट ऑफ कैश हो चुके हो, तो कार्ड आपका यहाँ पे काम कर जाएगा, आप यहाँ पे टिकट ले सकते हो। और देख सकते हो यहाँ की सीनरीज, सब जगह टोम्स ही टोम्स बने हुए हैं। और ये हमारा भाई अंशु, मेरा बैग टांग के घूम रहा है पगले जैसा। आगे देखो आगे, अच्छा ब्लैकआउट हो रहा है, मेरे आंखों से तो दिख रहा है, मगर भूतहासी जगह लगती है, भूतहासी। देखो भाई ये जो जगह है, ये जो यहाँ पे बने हुए, ये मेरे को पता नहीं काय के लिए बने हुए, बाकी ये जो ऊपर सा ये जो बना हुआ है, ये तो यहाँ तो वो उनके मौलवी काजी बैठे रहते थे, वो करवाते थे, जो भी नमाज पढ़वाना रहती थी वो पढ़वाई जाती थी। और ये यहाँ पर सब लोग गार्डन में, इसमें, ये जगह पर सब लोग बैठ के नमाज पढ़ते थे, जो भी करते थे, वो मुझे इतनी कोई हिस्ट्री की जानकारी नहीं है। ये देखो भाई ये छोटी सी खिड़की सी बनी हुई है, और यहाँ पर बाहर का नज़ारा मिल रहा है हमको, देख सकते हो इधर भी नीचे गार्डन बना रखा है रे। यहाँ भाई पीछे जाने का भी कहीं पे रास्ता था, अब मैं भूल रहा हूँ, अब थोड़ा थोड़ा माइंड में मेरे को याद तो आ रहा है कि वो जो सामने जो गेट दिख रहा है, ये वाला जो गेट है, इससे ही वो रास्ता है पीछे जाने का। वो बहुत छोटा सा गेट है कि एक बंदे ही जा सकता है, इससे ज़्यादा बंदे जा भी नहीं सकते पीछे की साइड। तो देखते हैं क्या माहौल है, याद तो आ रहा है मुझे, यही है यही है यही है भाई, आ जाओ। हाँ भाई यही रास्ता है, बढ़िया सा। देखो यहाँ पे ऊपर सीढ़ियाँ भी है, और इधर से लेफ्ट राइट से रास्ता भी कटता है, और ये यहाँ से नीचे से उतरने की सीढ़ियाँ हैं,
वो देखो पीछे गार्डन भी है जहाँ पे लोग घूम रहे हैं, वहाँ पे भी जाएंगे अभी अपन। चलो ये जो भी किसी भी जगह पे यहाँ पे 20 रुपए 30 रुपए 25 रुपए जो भी टिकट ले रहे हैं वर्थ टिकट ले रहे हैं। सफाई वफाई बढ़िया है, गार्डन का मेंटेनेंस ये देख सकते हो, कहीं भी गंदगी नाम मात्र की भी नहीं दिखेगी आपको, तो बढ़िया इनिशिएटिव है। तो भाई ये जो है ये होसंग शाह का मकबरा है जो पीछे है, और ये लुक का लाइक है ताजमहल का, जो एक डायरेक्शन से ना ये ताजमहल जैसा दिखता है। इस साइड से देख सकते हो ये भी पूरा संगमरमर से ही बना हुआ है, राजस्थान का संगमरमर है। और ये सब मेरे को डिटेल कहाँ से पता पड़ रही है, मैं 6th में आया था यहाँ पे और अभी 11th में आया था, तो जो गाइड सर ने बताया था वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को याद है। ये वाला सीन चेक करो भाई, सारे पिलर्स एक अलाइनमेंट में है, मतलब पहले के जो कारीगर थे वो बहुत प्रिसाइजली काम करते थे। अंदर चले लुक अलाइक ऑफ रहा, हाँ ताजमहल अंदर चलेंगे ना भाई। अब यहाँ अंदर जा रहे हैं, ये जो दिख रही है जो छोटा सा स्ट्रक्चर सा दिख रहा है ये होसंग शाह का मकबरा है। और ये देखो ऊपर क्या है, चमगादड़ से चिपके हुए कुछ, यहाँ पे भी आवाज बहुत एको करती है। और वो गाइड सर ने बताया था कि 2nd शताब्दी में, मतलब 2री शताब्दी में यहाँ पर जो है बीचों बीच यहाँ पर अभी मकबरा, ये टॉम्ब है जो भी है इसको जो भी बोलते हैं, यहाँ पर शिव जी का मंदिर था, उनको हटा के ये यहाँ पर लगाई गई थी। और शिव जी के ऊपर 12 महीने 24 घंटे एक एक करके वहाँ से ऊपर से एक एक बूंद पानी टपकता था। तो यही थी यहाँ की हिस्ट्री। अब चलो चलते हैं, यहाँ पीछे भी एक और जगह है शायद, वहाँ पे भी चलते हैं। अभी एक और रास्ता यहाँ से बीच में से मेरे को खुला सा दिख रहा है, पहले जब मैं आया था स्कूल ट्रिप पे जब शायद वो रास्ता नहीं खुला था। आज चलो चल के देखते हैं क्या है पीछे, तो गार्डन दिख रहा है यहाँ पे। ये जो गेट है इसके पीछे गेट ही है, जहाँ तक गार्डन ही है और क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ, तो गेट खुला हुआ है, पहले गेट खुला नहीं रहता था ये। कुछ भाई बावड़ी सी बना रखी इन लोगों ने यहाँ पे, अभी क्या था ये नहीं पता, अगर यहाँ हिस्ट्री लिखी होगी तो पढ़ के बता दूंगा, वरना तो कोई बात ही नहीं, किसको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। हाँ भाई पानी तो है, बावड़ी जैसा तो कुछ तो बना रखा है इन लोगों ने, अब वो ये पता नहीं मेरे को क्या है। चलो चलते, क्या बोल रहा भाई, रानी महारानी नहाने, जोर से बोला कर, माइक में आवाज जानी चाहिए। अरे रानी महारानियाँ नहाती होगी यहाँ, तो इतने गहरे पानी में और क्या। हाँ तो कहते हो वो स्विमिंग पूल भी बना रहा, तो 10 फीट 20 फीट इससे ज्यादा के गिरने की बात थोड़ी नहीं कर रहा वो, तो 100 फीट ये सीढ़िया का के लिए बनाई होगी, सीढ़िया तो नीचे उतरने के लिए बनाई होगी, वहाँ पे बैठ के नहाते होंगे। ओह हो वाह अपने हिसाब से कुछ भी हिस्ट्री बना लो। जामी मस्जिद से भाई बाहर आ चुके हैं, अब लोग हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई, ना जहाज महल जा रहे हैं, अब यहाँ से जहाज महल जाते हैं, गाड़ी उठा ली है पार्किंग में से, चलते हैं। वहाँ पे भी टिकट का लफड़ा मेरे को तो लग रहा होगा, लेकिन कार्ड पेमेंट होगा वहाँ, जरूर होगा वहाँ पे भी होगा। तो भाई पहुँच चुके हैं हम लोग जहाज महल, अब यहाँ पे हम लोग टिकट काउंटर ढूंढ रहे हैं, और टिकट काउंटर मेरे ख्याल से मिल गया मेरे को, वो रहा सामने, हाँ यही है। चलो फिर यहाँ से टिकट लेते हैं और अंदर चलते हैं। चलो भाई टिकट जो है हमने यहाँ की भी ले ली है, एंट्री करवाते हैं, अंदर चलते हैं, हिस्ट्री बताएंगे आप लोगों को, हिस्ट्री ब्लॉग बनता जा रहा है ये तो। अब जैसा जैसा जो जो मुझे पता है वो तो मैं बता रहा हूँ, बाकी अगर मैं कहीं गलत हूँ तो बिल्कुल से सॉरी फ्रॉम माय साइड, आप लोग क्या, मैं सॉरी बोलता हूँ। दिस इज द एंट्रेंस ऑफ जहाज महल म्यूजियम, ये है ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये इसके नीचे म्यूजियम है, मतलब ये जो गेट है ये गेट, ये देखो साकल देखो भाई इसकी, इसके रेफरेंस के लिए मेरा हाथ रखता हूँ वहाँ पे, ये देखो इतनी बड़ी साकल है गेट की, ये है म्यूजियम। और ये है पूरा खुला एरिया जहाज महल का, मेन जहाज महल इसको बोलते हैं, हाँ इसको, बाकी जो है ये यहाँ पे म्यूजियम है। देखो भाई अभी मैं जिस जगह पे बैठा हूँ ये तालाब के बीच में है, और मतलब लगभग बीच में ही है, व्यू चेक कराऊँ, देख सकते हो वो व्यू खराब हो गया, इधर करो कैमरा इधर करो। अब भाई अब हम लोग यहाँ जहाज महल के ऊपर चढ़ने वाले हैं, अब इसकी सीढ़ी का राइजर देखना, इतना ऊंचा राइजर है ना इस सीढ़ी का, अंशु भाई सीढ़ी का राइजर बता तो जाके खड़े हो, तो ये वाली सीढ़ी का राइजर देखो, इधर खड़े हो नीचे वाले पे, ये देखो इसके आधे पैर के बराबर इसका राइजर है। चलो वहां तक चढ़ना है, बहुत स्टीप सीढ़ियां है।
अभी क्या है, अंशु भाई मेरे से पूछ रहा था कि इसका भाई जहाज महल क्यों नाम रखा है। तो अब मेरे को जितना पता उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इसके जो है ना चारों साइड पानी भरा हुआ है, इस साइड भी है उस साइड भी है। तो जब हवा चलती थी और लहरें बनती थी पानी में, तो इसके ऊपर खड़े होकर ऐसा लगता था कि मतलब कुछ जहाज जैसा चल रहा है, इस वजह से इस महल का नाम जहाज महल रखा था। ये जो छत है यहाँ पे खड़े होकर लोगों को ऐसा प्रतीत होता था कि जहाज चल रहा है, इस वजह से बस लोगों ने मतलब पुराने महाराजाओं ने इसका नाम रख दिया जहाज महल। हमको क्या मिला, स्विमिंग पूल पुराने जमाने का। वहाँ देखो वहाँ कुछ डिजाइन सी बने, चलो लेके चलता हूँ। ये देखो इसमें पानी निकलता था, ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है उधर, तो उसके बाद तो ओपनिंग है ही नहीं इसकी, यहाँ से तो बंद ही हो गया है। यहाँ से आता होगा पानी, फिर यहाँ जाता होगा इधर नीचे पाइप में, फिर इधर निकलता होगा, फिर इसके बाद इधर घूम घूम के इधर स्विमिंग पूल में भराता होगा। ये जो सीढ़ियाँ हैं, बोल रहे हो कि यहाँ कहाँ जा रही है, तो बताता हूँ। ये जो सीढ़ी है भाई कहीं भी नहीं जा रही है, इसके आगे का जो महल है वो यहाँ से अंग्रेजों ने डिमोलिश कर दिया था, तो यहाँ से पहले कहीं तो जाती होगी सीढ़ी, बट अब कहीं नहीं जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बाद में बनाया गया, सीमेंटेड स्ट्रक्चर है, वहाँ नहीं जाती होगी। तो देखिए स्ट्रक्चर जो है ना यहीं पे टूटा टूटा दिख रहा है, और यहाँ पे गाड़ा नहीं दिख रहा, मतलब यहीं पे पहले इससे थोड़ा ऊंचा और होगा, मगर उतनी दूर तो नहीं जाता होगा, ये तो कन्फर्म है। तो देख सकते हो भाई अंग्रेजों ने हमारी प्राचीन धरोहरों को, सभ्यताओं को कितना नुकसान पहुंचाया। कहाँ पे अभी वहीं चलेंगे देख लेंगे, हो तो सकती है कुछ भी हो सकता हूँ, गया तो हूँ मैं, बाकी मेरे को मेमोरी ना थोड़ी ब्लर सी हो गई है। बड़ा मजा सा आ रहा है मेरे को यहाँ पर घूमने में, क्यों, क्योंकि मैं दो बार आ चुका हूँ, दोनों बार स्कूल ट्रिप से आया, तो स्कूल ट्रिप की याद आ जाती है मेरे को यहाँ घूमते से। एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखी कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ईंट का, ये बाद में करा गया है इसको सपोर्ट देने के लिए, कि ये ताकि पूरा ना गिर जाए। और देखो ऊपर का भी टोम वोम सब तोड़ा गया है। एक और स्नान घर, यहाँ पर जो ऊपर वाला था वहां पर जब पानी ओवरफ्लो होता था तो उसके बाद यहाँ नीचे आता था, यहाँ स्टोर होता था। इसके बाद का नहीं पता है, शायद जो क्लोजिंग्स है वो जो खड्डे दिख रहे हैं वहां पे, पहले इनमें से शायद पानी बाहर निकालते थे। गेट है, अरे मतलब जो दिख रही है ना होल पोला, कुछ था वो सब डिमोलिश स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ऊपर जाने की जो ओपनिंग है वो यहाँ से सीढ़ी थी, मगर उसको बंद कर दिया, लेकिन अपने अंदर क्या है, खुराफात है, अपन यहाँ से चढ़ के जाएंगे, आ जाओ। जा तो चुके हैं, अब चढ़ते हैं ऊपर, लग तो नहीं रहा गिरने जैसा कुछ। चलो आंटी जी ने बोल दिया यहाँ अलाउड नहीं है, तो अब अलाउड नहीं है तो नीचे उतर जाते हैं, रूल क्यों तोड़ना। ये जो है भाई, ये जो गार्डन है ये विश्राम स्थल है, यहाँ पे मतलब शाम का टाइम होता था सब चाय वाय लेके बैठते, अब चाय वाय का चलन मुझे नहीं पता उस टाइम होता था कि नहीं, रानियाँ यहाँ सब आराम करती थी। गाइड सर ने मेरे को ये भी बताया था, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप ये भी बहुत ऊंचा था, करीब पाँच छः मंजिल ये भी था शायद, अब ये पाँच मंजिल था या छः मंजिल था ये मेरे को कन्फर्म नहीं है, याद नहीं आ रहा, धुंधली सी मेमोरी हो गई है। तो भाई अब देखो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे शायद नीचे गुफाएं भी हैं, तो गुफाओं में भी अंशु को लेकर चलता, बोल रहा था मेरी फटेगी नहीं, मेरे को डर नहीं लगता है यहाँ पे, सूर्यास्त के बाद पता नहीं क्यों इसके आगे नहीं जाने देते जहाज महल के, अभी बताते हैं इसको क्यों नहीं जाने देते। यहाँ की जो एंट्रेंस है थोड़ी कच्ची सी है, देखते हैं, वो देखो वो जो बोर्ड लगा है छोटा सा, यहाँ पे इसका वो हिस्ट्री लिखी हुई है, पढ़ के बताते हैं आप लोगों को। तो भाई इसको नाहर झरोखा बोलते हैं, जिसको भी इसकी हिस्ट्री जानना हो ये पॉज करके पढ़ लेना, मैं स्टिल खड़ा रहता हूँ। तो भाई उस बोर्ड से अभी तक हमको ने जो भी पढ़ा है वो समझ में जो आया है ये आया है कि यहाँ पे मतलब जैसे अपने जो अपने कलेक्टर में मंगलवार को वहाँ जाते ना जनसुनवाई पे, यहाँ पे राजा आते थे अपनी प्रजा की सारी बात की दुख तकलीफों को दूर करने के लिए, यहाँ बैठक बैठती थी, तो उसके लिए इसको नाहर झरोखा, मतलब ये झरोखा टाइप है, मतलब झरोखा उस टाइम पे मुगल लोग ज़्यादा बनाते थे, और ये जो 15वीं-16वीं शताब्दी का आसपास का कहीं का बना हुआ है, उसके बाद ये अंग्रेजों ने तोड़ दिया था। तो देखो भाई ये जो चल रहा है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये देख सकते हो ये क्या है, शायद पत्थरों की क्लीनिंग चल रही है, जो पत्थर काले पड़ रहे हैं ना, जैसा मतलब ताजमहल में भी होता है कि उनको मतलब जो संगमरमर वहाँ पे जो काला पड़ रहा है उसको साफ करने के लिए ये सब करते हैं, तो ये यहाँ पे भी शायद इसका भी मेंटेनेंस ही चल रहा है कुछ ऐसे इसी टाइप का काम। ये देखो भाई जो अंशु को मैं बता रहा था ना कि वहाँ पे गुफाएं हैं, देखो डर लगेगा वहाँ पे, तो ये वाली गुफाएं इनकी ओपनिंग यहाँ से, देखो इसमें से क्या दिख रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं दिख रहा ना, वैसे एक छोटा सा रास्ता वहाँ से
वहाँ से ओपनिंग है, वहाँ से अंदर जाना रहता है। और ये जो है ये एक कुआं टाइप वेल टाइप बना हुआ है जहाँ से शायद हो सकता है पानी भरते हो पुराने ज़माने में। यहाँ पे इसका कुछ इतिहास शायद इतना तो लिखा नहीं हुआ है, और गहरा कुआं है भाई बहुत, ये देख सकते हो। उधर गेट की ओपनिंग हो, ये पता नहीं ये क्यों बनाते थे, सारे पुराने वेल्स में कुओं में जो है ना ये गेट टाइप के स्ट्रक्चर बने रहते थे, इसका कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया आज तक भाई। मेरे ख्याल से आई थिंक वो जो सभा है जो मैं बाहर बोल रहा था कि वो बैठती थी वो यहाँ बैठती होगी, ये देख सकते हो आप। अरे क्या पागल वागल है क्या, वो बेल लड़वाने का वो जो शौक था ना वो मुगल राजाओं को था, हिंदू राजाओं को किसी को नहीं था। तो यहाँ पे शायद सभा बैठती होगी, वहाँ राजा, इधर कई राजा वाजा बैठते होंगे, फिर इसके बाद इधर प्रजा की दुख तकलीफों की सुनवाई होती होगी। ये देखो भाई ये जो अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ये वही गुफा है जहाँ पे मैं लेके आने वाला था अंशु को, और शायद यहाँ से जो एक गुफा है वो शायद सीधा धार निकलती है और एक शायद भोपाल निकलती है, कुछ ऐसा पिछली बार मैंने सुना था गाइड सर से। तो चलो चलते देखते वो भी कहाँ पर है कैसी है, वो मेमोरी ब्लर हो जाती है बार बार, यही दिक्कत है भाई। यही है वो गुफा, अब यहाँ पे शायद दिखे भी ना आपको। देखो भाई जो मैं बता रहा था आप लोगों को जो गुफा थी वो गुफा यहीं पे है पीछे, लेके चलता हूँ। बाकी ये जो गुफा की जो हिस्ट्री ये सिर्फ महल के बाहर तक जाती है, यहाँ पर जो सेना थी वो मतलब जब महल मतलब दूसरी सेना जब हमला करती थी तो यहाँ से निकल कर बाहर बाहर जब उस महल के बाहर पहुंच जाती तो पीछे से सेना पे हमला करती थी। तो ये एक युद्ध की रणनीति थी यहाँ के राजा की, जो भी थे उनकी रणनीति थी कि यहाँ से पहले गुफा में से पहले बाहर निकलो फिर उसके बाद पीछे से हमला करो। पीछे से दुश्मन को मारना इजीली मतलब फेस टू फेस फाइट करने से आसान होता है। देखो भाई यही वो गुफा है, यहाँ नीचे कुछ दिख तो नहीं रहा, टॉर्च भी मार दूंगा मैं, टॉर्च से भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर नीचे सीढ़ियाँ हैं, इधर इसके आसपास कहीं पे सीढ़ियाँ हैं, और अंदर चूहे चमगादड़ सब कुछ है। देखो आपको कुछ क्लियर दिखा होगा, ये एक जाल सा बना हुआ, इसको पैक करा हुआ यहाँ के ताकि कोई नीचे अंदर वापस ना जाए उस गुफा में। अब ये यहाँ पे जाना प्रोहिबिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड। चलो चलते हैं अब दूसरी जगह पर। और भाई ये जो चीज़ देख रहे हो ये है पुराने ज़माने का एयर कंडीशनर। अब ये एयर कंडीशनिंग काम कैसे करती थी हमें ये बताता, एयर कंडीशनिंग काम ऐसे करती थी जो इसके पीछे है वहाँ पर पानी भरा हुआ है, और इधर भी ऐसी सेम है, इधर की साइड एक ओपनिंग है जो मैंने वो जो वहाँ पर बताया था ना जहाँ पर प्रजा बैठती थी उसको ठंडा रखने के लिए ये एसी जो है बनाया गया था। जब वहाँ से हवा चलती थी पानी से जो हवा है ठंडी होकर आती थी, तो जब ठंडी हवा यहाँ पर घुसती थी तो ये गुफा वैसी बंद है, यहाँ पर ठंड का वैसी माहौल मतलब रहता है, छांव रहती है, तो वो ठंडी हवा और ठंडी होके फिर वहाँ तक जाती थी, जो प्रजा बैठती थी उन्हें गर्मी नहीं लगती थी धूप में बैठे बैठे भी ठंडी हवा के कारण। तो ऐसे पुराना एसी सिस्टम काम करता था भाई। ये क्या जगह है, अगर यहाँ से तुम यहाँ तक भी इतने ओपन एनवायरमेंट में अगर अकेले आ गए ना यहाँ पे भी क्या भटके चार हो जानी है। ये देख सकते हो कुछ भी नहीं है, यहाँ पैकिंग है, यहाँ से अगर ये दरवाजे पैक कर दिए ना किसी ने किसी भी ऑब्स्टिकल से तुम ये दीवारें ना चढ़ पाओ। 50-50 फीट ऊंची दीवार है, माने का भाई एग्जॉस्ट सिस्टम वेंटिलेशन सिस्टम देख सकते हो, प्रॉपर सर्कल है, प्रॉपर सर्कल। अभी जिस जगह में हम घूम रहे महल के इस पार्ट में हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं दिख रहा हमको। वो देखो सामने एग्जॉस्ट की वो भी बनी हुई है। इधर गार्डन है भाई, हमको क्या मिला, भैरव कवच। देखो भाई अभी जो अंशु जो है ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है पगलों जैसी कि ये जो हिस्सा दिख रहा है ये जो ये गोलाई में इतना, इसको एक हथौड़ा ला के दे दे घन बड़ा वाला तो ये एक दिन में तोड़ देगा। मैंने इसको ये बोला भाई एक दिन में तोड़ना मुश्किल बात है, मैंने इसको एग्जाम्पल भी दिया कि 15-40 की छत तोड़ने में हैमर मशीन इलेक्ट्रिक मशीन उससे पूरा दिन लगता है, तो घन से इसको पूरे को नहीं तोड़ सकता। और ये जो कि ये जो 500-600 साल से ऐसे का ऐसे स्टिल खड़ा हुआ है, सीमेंट की तो फिर भी 70 साल ही उम्र रहती है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं बेअकले लोग, बस सोने का बोल दो। यहाँ जो मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले बात बोली थी कि 20 रुपये लेके टिकट से जो मेंटेनेंस कर रहे वो कर तो रहे, बाकी सारा कचरा यहाँ महल के ये जो सब स्थल है इनके पीछे ड्रॉप कर रहे हैं, ये गलत बात है यार। और देखो मैंने क्या देखा,
वहाँ जो है ये जो दिख रहा है ये खाई सी जो है, यहाँ पे एक वाटरफॉल अभी मैंने गूगल मैप से चेक करा, वहाँ पे जाने की हिम्मत नहीं भाई मेरी, मैं नहीं जाऊँगा। ये देखो भाई अभी जिस भी जगह में हम घूम रहे हैं ना ये सब एक मेस टाइप का, हम लोग ये तो मतलब छत ओपन हो चुकी है, सब ऊपर के जो भी फ्लोर है वो टूट चुके, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है जब यहाँ पे सारे फ्लोर्स कमरे बंद होंगे छत होगी तो लोग वहाँ के राजा रानियों को दासियों दासियों को कैसे समझ में आता होगा कि अपने को कहाँ जाना है। हम लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा हम यहाँ पे घूम चुके हैं, कहाँ से एग्जिट है कहाँ से एंट्री है। पीछे किसी गाइड से सुना कि यहाँ पे भी भाई पानी भरा रहता था, बट वो जो पानी है वो आता था वो वाली जो वेल मतलब जो कुछ है बावड़ी टाइप का उसमें से चैनल्स के थ्रू। ये वाला जो ये जो देख रहे हो ये पॉइंट जो देख रहे हो आप ये डैम टाइप का ये जो है वो झरना है, उसके बाद ये जो आकृति से बनी देख रहे हो ये स्क्वायर रेक्टेंगल्स वगैरह के, इनमें से होते हुए चैनल्स में से पानी ये नाली के थ्रू होते हुए यहाँ आता था। बट अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा उसका जो लेवल है और इसका लेवल है ये उससे ऊंची है, तो ये पानी ऊपर कैसे चढ़ता होगा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब इसकी जो मिस्ट्री हो राजा महाराजाओं के पास अपने पास कुछ भी नहीं है। ये देखो भाई ये जो जगह है ट्रिप के साथ आते थे जब हम लोग यहाँ नहीं आ पाते थे क्योंकि टाइम लिमिटेड रहता था, और ऐसी जगह ये जो है छुट्टी रह जाती थी हमारे जहाँ महल में ही होते सोते हम लोगों को उस टाइम पे लग रहा था हमने सारा जहाँ जो महल घूम लिया, मगर हमने कुछ भी नहीं घूमा था उसका, सिर्फ शायद ऑलमोस्ट अराउंड 40% घूमा, वैसे ज़्यादा नहीं घूमा था। ये जो स्ट्रक्चर इसको बचाने की बहुत कोशिश करी गई है, बाकी वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, इनमें ईंट सीमेंट की जुड़ाई करी ऊपर। ये देखो भाई यहाँ पर पत्थर के बाद इधर ईंट सीमेंट की जुड़ाई है, तो इधर भी बल्लियाँ लग रही है क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ईंट सीमेंट की जुड़ाई है। बचाने की कोशिश तो करी गई बाकी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इसको आधे ही काम पे छोड़ दिया गया। ये देखो भाई ये जो जगह है ये यहाँ पे रानियाँ दासियाँ जो अपना टाइम पास करने के लिए बैठा करती थी यहाँ पर, इसमें इसको तालाब को नज़ारा देखते हुए टाइम पास करते थे ये लोग, चाय वाय पानी शाम का खाना पीना जो भी स्नैकिंग वगैरह होती थी वो होती थी उनके यहाँ पे। आंसर कहाँ भाई खो गया तू, तो ये रहा दैट इज समथिंग सेपरेटेड रूम फ्रॉम द अदर साइड। ये जो है भाई यहाँ पे अकेला छोटी सी एंट्रेंस है इसकी, ज़्यादा बड़ी एंट्रेंसेस भी नहीं है, छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, पता नहीं ये किसके लिए क्यों कब कैसे से बनाया गया था उसकी हिस्ट्री बता मेरे को। हमने क्या देखा यहाँ पे, गोदाम मिला हमको यहाँ पे, ये चूना है शायद, चूना और कुछ का मिक्सचर है जो ये यहाँ पे मतलब ये पत्थरों को मतलब प्रिजर्व करने के लिए लगा रहे हैं शायद से, पिछले मतलब एक दो जगह पे मेरा हाथ लग गया था तो वहाँ पर मैंने देखा कि मेरा हाथ गंदा हो गया था, तो ये वो यही था भाई, पता तो नहीं कहाँ आ गए हम लोग। ये छोटा सा कमरा है वो यहाँ ये सीढ़ियाँ हैं और ये ऊपर यहाँ पे जा रही है, ये बल्लियाँ फल्लियाँ लगी पड़ी, चलो देखते ऊपर चल के क्या है यहाँ पे। मेरे ख्याल से तो अलाउड भी नहीं है यहाँ जाना, मगर अब हम लोग आ रहे हैं तो देख ही लेते हैं क्या है। इतना एक्सप्लोर तो मैंने कभी नहीं करा जीवन में। ये देखो यहाँ पे भी कुछ स्नान घर जैसा पानी जबाने जैसा बना हुआ है, बाकी अंदर जाने का वो नहीं है, वहाँ पैरट बैठा हुआ है, वो देखो पंछियों का घर बना हुआ है, बंद कर रखा है, भेड़ों को बस नहीं लगा, यहाँ पे स्क्रू लगा दिए। देखो भाई ये जो है ये म्यूजियम है, यहाँ पे ज़्यादा वीडियो बनाना अलाउड नहीं, तो मैं फटाफट कैमरा बंद करता हूँ। अभी तक भाई हमने पूरा जहाज महल घूम लिया बट जहाज महल के रूफ के नीचे नहीं आए, तो अब वहीं पर जा रहे हैं। ये देखो ये ऊपर, अभी ऊपर घूम रहे थे हम थोड़ी देर पहले, ये नीचे मेरे को तो लगा था यहाँ से वहाँ तक पूरा खुला होगा बट बीच बीच में दीवारें भी हैं। भाई मैं बाहर आ चुका हूँ महल के मतलब जो भी प्रेमाइसिस है इसके बाहर आ चुका हूँ, इसकी वजह से इसको पीना था पानी, प्यास लग रही, मेरे को भी प्यास लगी, मैं झेल रहा था कि मेरे को इंटरेस्ट इधर आ रहा था, मेरे को प्यास में दिमाग नहीं लग रहा था, बाकी ये बिल्कुल ना इंटरेस्ट व्यक्ति, कोई इनको शर्म लाज लिज्जा नहीं है, दोस्त के साथ आए हैं दोस्त को घूमने नहीं दे रहे हैं। पानी इन लोगों ने जानबूझ के जो वाटर प्योरीफायर है बाहर रखा हुआ है ताकि हम जैसे जो फोकट लोग अंदर बैठे हुए हैं वो बाहर आए पानी पीने के बहाने, तो एटलीस्ट। चलो भाई अब यहाँ से तो निकल चुके हैं, अब हम जो है रानी रूपमती महल जो हमारा रह गया था वहाँ पर पता नहीं चला कार्ड की व्यवस्था भी है, तो अब हम वहाँ जाने की कोशिश करेंगे वहाँ की टिकट मिलती है कि नहीं। चलो कार्ड की व्यवस्था तो भाई वो बोल देता वहीं, अरे कार्ड तो होगा भाई उसके पास भी, वो भी टूरिज्म की तरफ से ही टिकट काट रहे हैं, उनके पास भी होगी कार्ड मशीन, तो ये गलती अपनी है फिर। हाँ तो ये अपन ने पूछा नहीं है, अपनी गलती है। हमारे को भाई वहाँ नीचे टिकट नहीं मिली और वहाँ पे कार्ड भी मतलब वाईफाई है उनका नेटवर्क नहीं आ रहा था तो चल नहीं रही थी,
तो हम लोगों ने यहाँ जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट वालों का जो स्कैनर था उससे टिकट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भाई, बाकी ज़्यादा कुछ स्टेप्स नहीं थे, हो जाएगा आपका अगर आपको ऐसा मतलब यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट हो तो कर सकते हो आप। यहाँ पर रानी रूपमती महल में जो कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चढ़ाई चढ़ते से जो भी देखते हैं वो चाहिए है, ये जो है पहले अस्तबल हुआ करता था, इसमें जो कि अभी पानी भरा हुआ घोड़ों का अस्तबल, और उसके पहले इसको जेल की तरह यूज़ किया जाता था, जेल के बाद इसको अस्तबल में कन्वर्ट करा गया था। लुक एट दैट सीन, ये किसी मूवी में देखा हुआ लग रहा होगा ना, ये जो अभी इंदौर पे मूवी कौन सी थी ना, अपन कौन सी मूवी देखने गए थे, अपन तीनों चारों गए थे ना, वो विक्की विक्की की जरा हटके जरा वटके में यहाँ की भी शूटिंग है। अभी जो व्यू दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, जैसे आप गूगल पे मांडव सर्च करते हैं सबसे पहले रानी रूपमती महल से जो व्यू आता है वो यही वाला है। ये नर्मदा कितनी दूर पे है? ये जो है भाई, ये जो मैं घोड़े के अस्तबल और जेल बता रहा था उसके पीछे की गलियारी है, ये खिड़कियों में से शायद घोड़ों को और शायद कैदियों को इसमें से खाना वाना पानी वानी दिया जाता था, और ये ओपनिंग्स भी है इसमें ऐसी उजाले के लिए। अब भाई हमारा जो पूरा पूरा फोकस रहेगा वो ऊपर छत पे जाने में रहेगा, छत पे से व्यू दिखाएंगे आप। अभी से भाई 4 साल पहले जब मैं आया था, जब इसके ऊपर जाने के लिए भी लोहे की सीढ़ी लगाई हुई थी, मगर अब इन लोगों ने पता नहीं किस सिक्योरिटी रीजन की वजह से हटा दी है। मेरी एक फ़ोटो है वहाँ ऊपर की दीवार पर बैठे हुए, वो मैं अगर मिल जाएगी पुराने फ़ोन में अगर उसका डेटा रिकवर हो जाएगा तो ज़रूर डाल दूँगा ब्लॉग में। मैं जो था भाई वो गलत था, यहाँ पर ऊपर जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियाँ भी है बिल्कुल ही गुप्त रास्ते में, मगर वो भी बंद है, जो जैसे लोहे की सीढ़ी हटा दी वैसे इन लोगों ने पत्थर की सीढ़ियाँ भी बंद कर दी। पहले गेट नहीं हुआ करता था, अभी गेट भी लगा दिया है। खैर लगा तो इसमें सिर्फ एक स्क्रू ही है, खुल के जा सकते बड़े कोई जाने से मतलब नहीं है। और ये जो सिंगल इतनी छोटी छोटी जो इतनी पतली सीढ़ियाँ बनाई है, ये इस वजह से बनाई है ताकि एक व्यक्ति एक टाइम पे जा पाए, जब ताकि सेना का हमला हो तो व्यक्ति एक ऊपर तलवार एक अकेला खड़ा रह के 100-100 की लोगों की सेना की टोलियों को ख़त्म कर सके एक अकेला व्यक्ति। देखो भाई यहाँ पे पैरामोटर राइड भी होने लग गई आजकल, बैठा भी है। ये है भाई रेवा कुंड। अब अंशु मेरे से पूछ रहा था कि ये नर्मदा नदी का पानी तो है मगर आता कहाँ से, तो नर्मदा का नदी का पानी तो है मगर नर्मदा नदी से नहीं आता है। इसके पीछे की ये कहानी है कि रानी रूपमती जी जब सर्दियों में उनके दर्शन करने जब रोज सुबह यहाँ पे आती थी तो धुंध के कारण उनको मतलब नर्मदा माता के दर्शन नहीं होते थे, तो एक दिन नर्मदा माता उनके सपने में आई और उन्हें बोला बेटा एक कुंड खुदवा जहाँ पर भी देखो 5 ऐसी चीजें हैं, मेरे को 5 के नाम तो नहीं पता है, 2 के पता है, झींगा शंख और एक कुछ कंकड़ पत्थर वगैरह कुछ बोला था, वहां पर खुदवा और वहां पे अगर पानी निकलता तो वो मेरा ही पानी होगा नर्मदा, तो ये ऐसे नर्मदा नदी का पानी है। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं नीलकंठ महादेव, ये जो मंदिर है बाबर है, बाबर के अकबर ने बनवाया था। अब इसकी हिस्ट्री क्या है वो मैं भूल चुका हूँ, याद तो थी मुझे मैं भूल चुका हूँ। चलो चलते नीचे बताते, नीचे है भाई इधर खाई में है मंदिर, ये देखो भाई कितना डीप है, बिल्कुल स्ट्रेट डीप है। इज द व्यू ऑफ मंदिर, मैं देख सकते यही एक मंदिर है और इधर खाई है भाई। देखो भाई इंक्लाइन, देखो ये चौथी सीढ़ी है और बिल्कुल ऑलमोस्ट एक 4.5-5 फीट के ऊपर है। चलो भाई हो गया हमारा आज का टूर, जो भी टूर है हमारा आज यही एंड होता है। मांडव संडे का दिन हमने पूरा यूटिलाइज कर लिया है। क्या टाइम हो रहा है भाई, 3:15 हो रहा है? हाँ 3:15 के करीब कुछ टाइम हो रहा है, 3:15 हो रहा है, और हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। अब देखते कितने घंटे में हम लोग घर पहुँचते हैं, उसके बाद जो भी होता है आप लोगों को बताते हैं। वापस से जो है भाई घाट शुरू हो गया, अब अगर वो कच्चे रास्ते पे नहीं जाएंगे, अब हम सीधे सीधे। वर्स्ट डिसीजन ऑफ द लाइफ अभी तक की लाइफ में जो मैंने लिया था इसके बोलने पर, कब भी भाई वो आप बाइक वाले रूट से आओगे ना, अगर मैं गूगल मैप पे लगाओगे बाइक वाला रूट की वो मांडव जाने के लिए तो वो वहीं से ही भेजेगा, लेकिन वहाँ से लेफ्ट कटना नहीं है, आपको पतली सी रोड आएगी गांव खड़े की, वहाँ जाना ही नहीं है। इतना ऑफ रोड मतलब 60% की क्लाइम थी, मतलब कम से कम 60% की क्लाइम, किसी से नहीं चढ़ती, वो तो चढ़ा ली पल्सर थी चढ़ गई, दूसरी बाइक है छोटी मोटी HF वगैरह स्प्लेंडर तो नहीं चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा। दैट इज द एग्जिट ऑफ द मांडव सिटी, ये देख सकते हो पीछे ये जो गेट दिख रहा है, ये जो है ये एग्जिट पॉइंट ने यहाँ का एंट्री एग्जिट जो भी बोल लो इसको। अब बस यहाँ से सीधा हाईवे पकड़ के
घर जाना ना भाई। नहीं घर नहीं, पीछे बीच में ऐसी करने जाएंगे हम, एक दूसरे जाएंगे। अभी जो है भाई हम लोग इंदौर धार वाले रोड पे खड़े हुए, जाना तो वहां से था आगरा बॉम्बे वाले अपने NH 48 है शायद वो, और ये 57 है, वो 58 है, ये 47 है। तो जाना 58 था NH 58 से, बट इस बाइक के एक गलत टर्न की वजह से इसने मैप थोड़ी देर से बताया, उसके वजह से हमने वो रास्ता स्किप कर दिया और धार आ गए हम मांडा से सीधा। अब अंशु को गाड़ी दी है मैंने, बेचारा भाई तू भी चला ले तेरी गाड़ी। चुके भाई इधर इधर NCV का सामने जो स्टॉल्स लगती हैं, ये चाय वाय ले ली है, अब थोड़ी देर यहीं बैठेंगे और टाइम पास करेंगे।